घर वाले ने क्या करा, बर्तन लगाते हुए गिलास गिरा, गिलास तो उठाया नहीं, पकड़ के मेरा मस्तूल की खींच लिया, मर गया पहले की लवड़ी। क्या कर दी भाई जी, मैं तो ये सोच रही थी तो देखो तुम तराजू की तरह उठ जाओगे क्या। मैं पत्ता डाल यार। अरे इम्तियाज इधर आ भाई, ये ले रानी। मैं तेरी रानी का तुम्हारा बस से मारा बेटे। इम्तियाज तेरी रानी की कौन मारेगा मैं? अबे मैं मारूंगा इसकी रानी को। जा कर रे यार। हां मैं मारूंगा, तू मारेगा। मैं क्या कर रहा हूं? शगुफ्ता कुर्ता दिए? कोई जरूरत नहीं है बाबू इसे कुर्ते उर्ते देने की, इसे शर्म रही नहीं बिल्कुल भी। सारे दिन फिरता है, धक्के खाता और घर में आकर तेरे से चलाता हुक्म। तलाक दे के ये सोच रहा है मैंने बहुत बड़ा काम करा है, ढींग का ढींग हो गया। शर्म इसे आई नहीं, मैं कैसे छुपा लेती इस बात को? मुझे तो बताना था, सुअर कहीं का जलील। चुपी हो जा। क्यों हो जाऊँ चुप? तूने तो फैलाई थी तलाक की बात सारे में। और क्या, यहीं बैठी रहती चुपचाप, दुनिया को ना बताऊँ किसी को भी, मैं तो नहीं छिपाने वाली। तेरे जैसी नहीं हूँ मैं, कुर्ता पजामा पहन के तू मुसलमान सोच रहा बन गया और तुझे ईमान का पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मौली साहब मैं तो यही कह रहा था कुछ कम नहीं हो सकते भाई? हाथ परे गुरा, नमाज के कपड़े हैं मेरे। तो फिर देख लो भैया, सोच समझ लो हैं, मेरे को बहुत जल्दी है, बच्चों को जाना पढ़ाने। अरे बच्चों। अजी ठीक है मौली साहब, ठीक है, लेकिन हाँ 25,000 रुपए साथ में जरूर ले आइयो। अजी ऐसा नहीं हो सकता मौली साहब, आधे कल ले लियो आधे बाद में। बिल्कुल नहीं भैया, सवाल ही नहीं, कारोबार है मेरा। कारोबार में तो उधार हो जा मौली साहब। ऐसे कैसे हो जाए, काम काज बहुत मंदा चल रहा है, मरम्मत करानी है, हैं? और भाई देख अगर 5-1 हज़ार रुपये पेशगी मिल जाए, पड़े ना तेरे पास? जी तो अब्बू ने काम के दे रखे हैं मुझे। तब बतौर पेशगी दे दे, दोस्त है तेरा। जी कल दे देना। अग्रवाल जी आधा घंटा लगेगा, ठीक है। अरे बाद में कर लीजिए, चलो पेशाब चलो। पैसे तो मैं दे दूंगा बिल्कुल, लेकिन 13% ब्याज लूंगा। 13% चौधरी साहब ब्याज थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। कम कर, थोड़ा कम कर लो ब्याज, गरीब आदमी बहुत। हाँ यार ये बढ़िया, पैसे भी दो और वो कल चलो चल 12% कर दिए। 13% और कहाँ 12%? दूसरी बात सुना, इस पे घोड़ी है? हाँ वो घोड़ी मुझे चाहिए, एक उसे रखूंगा भैया गिरवी। जब ये पैसे दे देगा, ब्याज दे देगा, तो अपनी घोड़ी ले जा। बिल्कुल मंजूर है चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ईमानदारी। बस बस ठीक है। ले जाओ उत्ती को, जितना खावे थे उससे ज्यादा है गई थी, वैसे आंखों में मेरे खटके थी, अब तेरे चैन पड़ गई, ले जा आराम से। ले ये मैं घोड़ी को अरे मायूस क्यों हो रहा, हमेशा के लिए थोड़ी जा रही।
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسمات شگفتہ پروین دختر جناب ایمن فاروقی مہر فاطمی سکہ راج الوقت ایک وکیل دو گواہوں کے اجازت سے اس مجمع عام کے سامنے زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کیا آپ نے اس کو چاہا اور قبول کیا میں 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 نے اس کو چاہا اور قبول کیا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین پیسے ویسے گن لیے نا ہاں بھائی آگے پورے گن لیے ایک دم پورے ہیں اور امتیاز کل تو صبح آگے لے جائیے اپنی بیوی کو ہیں چل چلیں کیا سر अरे निया कहाँ से आ रहे हो पर्दे वाला घर है ये तो बोला जी शगुफ्ता शगुफ्ता तुम्हें पता नहीं है महीने से है वो तो कुछ भी नहीं हुआ रात को ऐसा करो मियाँ कल आना
बहू को नहीं लाया क्या? अरे हम क्या पूछ रहे हैं? चलते तो रहेंगे और क्या होगा। मुल्ला जी बहुत दिन हो गए, तलाक दे दो। देखो मियाँ, अभी वो नहाई नहीं है, महीने से हैं और अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे भी फुर्सत नहीं है, तो मियाँ कल आना। मुल्ला जी, मुल्ला जी। हाँ जी मुल्ला जी। हाँ? दे दो शगुफ्ता को तलाक। हाँ भाई दे दूंगा तलाक, मैंने कब मना किया है तलाक? अरे भाई मैंने कहा ना दूंगा, अरे मैंने कहा ना अरे मैंने कहा ना अभी दूंगा, अरे 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 मैंने कहा ना दे दूंगा तलाक। अरे हलाले में ऐसे भी होता है, अपनी मर्जी से। अरे भाई तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी यार, तेरा पैसा बेकार चला जाएगा, अभी तो 100 दिन की इज्जत और करेगी वो। अरे पागल हो रहे हो रसीद, अरे ये पागल हो गया। तो तलाक तो कायदे से दूंगा ना मैं। मुल्ला जी तुमने मेरे सामने कहा था कि कल सुबह अपनी बीवी को ले आइए फजर में, और अगली फजर में जो है मैं तलाक दे दूंगा, और अल्लाह की कसम भी खाई थी। झूठ बोल रहे हैं मुल्ला जी तुम। देखो मैंने तलाक के लिए इनकार नहीं किया है। नहीं असल बात ये है कि आपने कमी की बहुत बड़ी, आपकी नजर में बात बढ़िया नहीं रही, आपकी नजर में तबीयत में फर्क आ गया। महीने से है वो, आपको बता देना चाहिए। आप बता दिया मैंने, अब बता रहे हैं आप तो पंचायत में ये माल, आपको जब भी बताना चाहिए थी। इस वजह से मैंने उसको तलाक नहीं दिया, ये मजबूरी मेरे सामने। अल्लाह की कसम खाई थी। लालच रहा है कि मैंने नहीं 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 साहब मैं तैयार। भाई ने मुझसे कहा ये लड़की का नाम लेकर के तलाक दे दी गई, और इनकी हिमाकत ये रही कि इन्होंने इसमें कितना टाइम लिया। ये बद्ध्यांती की बात है, इसलिए कायदे में तो पंचों का ये फैसला होना चाहिए कि इतना ही दंड इन पे। 25,000 का जुर्माना है, 25,000 हुए, 50,000 वापसी करेंगे। अभी 50,000 रुपए तो मैं नहीं देने का, वो तो कारोबार है मेरा। कारोबार में कभी कभी घाटा भी हो जाए। अपने आप दूसरी की इज्जत से खेलते रहे एक महीना दूसरी की इज्जत से खेल रहे, वो तो हो गया। आप 25,000 और देने पड़ेगा। देखो मैं तलाक देने को तैयार हूँ, मैं तलाक देने को तैयार हूँ। मैं शगुफ्ता को तलाक दे रहा हूँ, मैं शगुफ्ता को तलाक दे रहा हूँ, मैं शगुफ्ता को तलाक दे रहा हूँ। तलाक किसने दी जी? शोहर ने। गुस्सा किससे आया था? शोहर को। तलाक शोहर ने दी, गुस्सा शोहर को आया। गलती किसकी? शोहर की। सजा किसको मिल रही है भाई? गलती तेरी है, गुस्सा तुझे आया, तलाक तूने दी, तू अपना हलाला करवा। इसका क्यों करवाता? ये हलाला क्या है? बेगैरती का कड़वा घूंट है, बदमाशी का खुफिया रास्ता है, जुब्बे और दस्तार और दाढ़ी के नीचे बदकारी का अड्डा है। ये औरत है भेड़ बकरी नहीं है, ये औरत है गाय भैंस नहीं है। आज इसके किल्ले से इसकी रस्सी बंधी हुई है, कल को किसी और के किल्ले से इसकी रस्सी बन जाए। ये गैरतमंद है, ये अल्लाह की मखलूक है, इसको इस तरह सलीम ना करो।